महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा चलाए जा रहे मिशन शक्ति अभियान के तहत संभागीय परिवहन विभाग द्वारा मंगलवार को डीटीआई चरगावा में एक नुक्कड़ नाटक का आयोजन किया गया, जिसमें रंगकर्मियों द्वारा महिला सुरक्षा, सशक्तिकरण, सम्मान एवं स्वावलंबन के साथ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर आधारित नाटक का मंचन किया गया तथा लोगों को बेटियों के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, वरिष्ठ सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी डी के सिंह, एसपी श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, संभागीय निरीक्षक सीमा गौतम सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए आरटीओ अनीता सिंह ने कहा, कितनी बार कहा है कि मुझे बेटी नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। बेटा बेटी ये तो ऊपर वाले के हाथ में है। लेकिन आना न आने देना ये अपने हाथ में है, इसलिए कह रहा हूँ बच्ची को गिरा। आप समझिए ये पाप कर रहे हैं आपने, एक बार नहीं सात सात बार मेरा गर्भपात कराया है। देखो तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, बेटी के आने से क्या क्या परेशानियां समाज में झेलनी पड़ती है तुमको मालूम है? 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हो जाता है और कोई कोई उसमें कुछ कहता नहीं है। इसमें समाज को अपनी नजरिया चेंज करना पड़ेगा। अरे तो कैसे कैसे चेंज करें? समझिए बात को, बूंद बूंद करके खड़ा पड़ता है। देखो आप समझिएगा तो चेक समझेगा। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं समाज से जाऊं लड़ने, बगावत करने जाऊं, इसलिए कह रहा हूं ये बच्ची नहीं आनी चाहिए तो नहीं आनी चाहिए। ये बताइए लड़कियां क्या क्या नहीं कर रही हैं? आज हवाई जहाज चला रही है, ऑफिसर बन रही है, सब कुछ कर रही है लड़कियां, क्यों इस लड़के को गिराने के चक्कर में पड़े हैं? आपने 7 बार तो गर्भपात करा दिया, हम आपके हाथ छोड़ रहे हैं, इस बार ऐसा मत करिए। ममता सुनो सुनो, जहाज चलाने के लिए या कुछ करने के लिए उसको छोटी से पहले बड़ी होना पड़ेगा, और ये जो छोटी से बड़ी होने तक का जो सफर है ना वो बहुत कठिन है, बहुत दुखदाई है, बहुत कष्ट देने वाला है, इसलिए ये बच्ची मेरे घर में नहीं आएगी। कुछ भी हो जाए मैं इस बच्ची को जन्म दूंगी तो दूंगी, इसके लिए मुझे मरना ढूंढना पड़ेगा। नहीं मानेगी? लेकिन वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। मेरे भाई तुम्हें तो समझाते समझाते मैं हार गया हूँ। मैं कितनी बार कहा यार अपनी सोच निकालो यार, महिला लड़की बेटी के प्रति जो तुम्हारी सोच है अगर सोचो, अगर तुम्हारे पिता ने जिस तरीके की सोच रखी होती, अगर तुम्हारी माँ ना होती तुम पैदा कहाँ से, तुम्हारी बहन ना होती तो तुम्हारी लड़ाई का कभी सोचो। और रही बात आज की वातावरण, समाज के परिवेश और समाज के जो आज के आडंबर हैं लोगों की जो मानसिकता है उससे डरते हो? हाँ भैया उससे इससे डर लगता है। तो पहले तुम अपनी सोच अपनी मानसिकता बदलो। आज सरकार नीतियाँ सिद्धांत इतने सफल है कि नारियों को सम्मान के लिए, नारियों के हित के लिए, नारियों को स्वावलंबन बनाने के लिए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए तमाम योजनाएं चला रही है और उनकी सुरक्षा के लिए 10-90 जैसे एक वुमेन पावर लाइन जो एक सबसे बड़ी ताकत बनते आज सामने आ रही है। ये अगर कहीं इस तरह की घटनाएं हो रही है तो 10-90 से वो अपने आप मजबूत से और सरकार और प्रशासन से मदद दे सके और इसके साथ साथ तमाम ऐसी सरकार की नीतियाँ हैं, जैसे अगर महिलाओं की कोई समस्या हो गई तो 108 नंबर है, 102 नंबर पर होती महिलाओं की सुविधा, 98 में बच्चों के लिए व्यवस्थाएं हैं और तमाम ऐसी चीजें हैं, बच्चियाँ पैदा होने से लेकर के बड़े होने तक शिक्षा दीक्षा के लिए सरकार तमाम सुविधाएं चला रही है। सुमंगला योजना और तहत उनके शिक्षा के लिए हमेशा कुशुमनाथ और तमाम सरकार इतनी सारी योजना चला रही है, तुम्हें घबराने की जरूरत है ही नहीं।
अरे भैया ये सब हमको नहीं पता था। अच्छा ये तो आपने बहुत अच्छा किया बता दिया, अब मैं अपनी बेटी को जन्म दूंगा। बिल्कुल बेटियों से ना करवाना, क्योंकि बेटियों से ही है ये सारा जमाना। अगर अपने विचार को बदलोगे तो देश को बनाओगे तुम खुशहाल। मेरे भाई बदल दो अपना ख्याल और दो बेटी को जन्म और बनाओ देश को गुलजार। अरे भैया भैया मंत्री जी के द्वारा जो है मिशन शक्ति का प्रोग्राम चलाया जा रहा है, उसके तहत परिवहन विभाग के द्वारा हम लोगों ने आज नुक्कड़ नाटक के थ्रू जो है लोगों को ये जागरूक करने की कोशिश की है कि नारी का सम्मान बहुत ज़रूरी है। जहां समाज में आजकल नारी अपना हर कदम आगे बढ़ा रही है, उसमें समाज के सहयोग के बगैर वो आगे सफल नहीं हो पाएगी, उसके तहत हमारे यहाँ आज मानव विकास सेवा संस्थान की अध्यक्षा प्रतिमा शर्मा जी आई हुई थी। उन्होंने एक नुक्कड़ नाटक नारी एक रूप अनेक करके जो है यहाँ पर प्रस्तुत किया। बहुत ही शानदार प्रस्तुति थी ये और सभी कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुति की, जिससे सारे जो यहाँ पे उपस्थित आवेदक थे और आने वाले लोग उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस चीज़ से। और मुझे ये लगता है कि नुक्कड़ नाटक एक ऐसा जरिया है जिसे हम बहुत अच्छे तरीके से समाज को एक नाटक के थ्रू उनको समझा सकते हैं कि नारी का सम्मान और स्वावलंबन और उनकी सुरक्षा कितनी आवश्यक है आज के समाज के लिए। और इसी के उपलक्ष्य में आज जो प्रतिमा जी उन्होंने महाराजगंज की टीम लाई थी और बहुत अच्छी तरह से उन्होंने उसका रूपांतरण किया। थैंक यू।